अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सब लोगों का? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज की हमारी वीडियो वो है मैसी 385 ट्रैक्टर पे, जो मैंने उसके सबसे बड़े जो दो फॉल्ट बताने आप लोगों को, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्राइस हो गई है मैसी ट्रैक्टर की, तो वो जो प्राइस के हिसाब से ये जो दो फॉल्ट है ना, मेरे ख्याल से ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बात। तो कंपनीज़ को कुछ ख्याल करना चाहिए, लोगों पर तरस खाना चाहिए कि आप लोग इतनी प्राइस ले रहे हैं, लेकिन ये जो ये दो फॉल्ट नज़र आ रहे हैं कॉमन, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ ये फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, और कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सब क्लियर कर देता हूँ। तो चलते हैं हम ट्रैक्टर की तरफ। तो ये खड़ा जी मैसी 385 ट्रैक्टर। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी ओवर बता देता हूँ, इसकी ओवरऑल दिखा देता हूँ, तो फिर हम चलते हैं। इसकी जो पहली मिस्टेक है कॉमन, वो ये है जी, यहाँ से जो तेल लीक होता है, यहाँ से, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है इन मैसी वालों की। यहाँ से जब भी ट्रैक्टर चलता तो यहाँ से मुबलैल लीक होना शुरू हो जाता है। तो मेरे नहीं समझ में आने वाली बात ये क्यों होता है, और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो प्राइस ले रहे हैं हमसे, तो कोई गलती काबिले कबूल नहीं है हमारे लिए, और उनके उनको चाहिए इस पर ख्याल करें। दूसरी जो चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक, गंदा तरीन प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है इन्होंने, तो इसीलिए इन्हें ख्याल करना चाहिए। इसके साथ वाला सेटअप पूरा दें हमें कंप्लीट, जिसकी वजह से ये प्राइस के हिसाब से कंपेयर करे तो जस्टिफाई नहीं करता ये प्लास्टिक मैसी ट्रैक्टर को। ये स्टील का लगाया हुआ है और ये प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, और ये मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इतनी ज़्यादा प्राइस में कोई तुक बनता ही नहीं देने का, इसीलिए ये इन्हें इसके साथ का देना चाहिए स्टील का, ताकि एक ही लुक लगे, इसका कलर वगैरह भी कम ना हो। अब ये प्लास्टिक है तो इसका कलर मध्यम होने लग जाता है। अब आते हैं हम तीसरी इसकी मिस्टेक पे, पीछे चलते हैं हम। जो इसकी ट्रैक्टर की हीच दी हुई है इन्होंने, वो साथ नहीं दी तकरीबन, अब वो भी बाहर से बनवाए तो 15-20-25 हज़ार की बन जाती है। तो अब 24 लाख में ही अगर 15-20 हज़ार वाली हीच ना दें, तो ये भी ज़्यादा होगी आवाम के साथ, ये भी लाजमी देनी चाहिए। और चौथी मैं आपको बताता हूँ ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के, चौथी, जिस दिन हमने ट्रैक्टर लिया था उसी दिन ये वाली सुई पेट्रोल वाली ख़राब हो चुकी है। पेट्रोल इसमें जितना मर्ज़ी ज़्यादा हो, ये सुई ज़ीरो पे रहती है। हमने 2-3 दफ़ा सही भी करवाई, लेकिन फिर ख़राब हो चुकी है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां, ये समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मैसी वाले। और जो पाँचवा फॉल्ट है इसका कलर, कलर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप कलर इसका देख सकते हैं, ये जो उतरा हुआ है यहाँ से, अब ना किसी ने छेड़ा इसे ना कुछ किया हुआ, मैं आपको बता दूँ, ये देखें इसका कलर कम्बिनेशन, अब यहाँ पे किसने यूज़ किया हुआ ये सारा कुछ कलर वगैरह। तो इन्हें ख्याल करना चाहिए, जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस है तो वहाँ पे भी इन्हें तरस खाना चाहिए। ये छोटी छोटी कॉमन गलतियाँ, तो ये थे छोटी छोटी इनकी गलतियाँ कॉमन, ये फॉल्ट इनके। तो इन्हें चाहिए कि इन्हें इम्प्रूव करे, ताकि आवाम को भी सुकून हो, सहूलत हो, और ताकि इनका फ़ायदा है इन सब चीज़ों को सही करने का, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो कैसी है, और इंशाल्लाह हम जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ट्रैक्टर में। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।